वेलकम टू माई चैनल। सो फिलहाल मैं हूँ दिल्ली में, और दिल्ली आओ सरोजनी नगर जाओ ऐसा कैसे हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। बाय पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन से आप डायरेक्ट जा सकते हैं सरोजनी नगर मार्केट स्टेशन, और ये है गेट नंबर 1। और मार्केट ओपन होती है 10 बजे मॉर्निंग के, और मैं पहुंच गई थी 11:30 पे शायद, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत कम होती है और दिल्ली में गर्मी बहुत है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको भी जाना चाहिए, तो आप अपने साथ एक बॉटल, अम्ब्रेला, स्टॉल और एक कैरी बैग ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप ये सोच के भी जाओगे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं लेना, फिर भी आप 100% कुछ ना कुछ लेके उधर से आओगे ही। तो कैरी बैग बहुत ज़रूरी है, आप ले जाओ उसको। और अगर आप नहीं भी ले जाते हो तो भी वहाँ पे आपको कैरी बैग मिल जाएंगे 50-100 रुपीज़ में, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। और ये है एंट्री गेट, यहाँ से होती है सरोजनी मार्केट में एंट्री। कभी कभी जब बहुत भीड़ हो जाती है तो पुलिस भी होती है, चेकिंग के लिए पुलिस होती है, लेकिन आज अगर आप मॉर्निंग में आओगे तो भीड़ भी कम होती है और पुलिस भी नहीं होती है चेकिंग के लिए। और बेस्ट है कि अगर आप शॉपिंग करने आते हो तो मॉर्निंग में ही आओ। और ये था पहला स्टॉल जहाँ ऑलमोस्ट हर तरह के बैग्स थे। जैसे ही आप एंट्री करोगे, ये लेफ्ट साइड में ही था, यहाँ पे 200-500 की रेंज में ऑलमोस्ट हर तरह के बैग्स थे, जैसा भी आप लेना चाहो, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, या आप ऑफिस जाते हो उसके लिए, ऑलमोस्ट हर तरह के बैग्स थे। ये वाली शॉप जस्ट बैग वाली शॉप के सामने थी, और यहाँ पे 100 रुपये की टॉप श्रग नेट वाली टॉप थी, और क्वालिटी भी अच्छी थी। मतलब 100 रुपीज़ की टॉप में ऐसी क्वालिटी मिलना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी। एंड देन ये वॉच, इसका प्राइस मुझे बताया था 800, बट मैंने इसे परचेज़ की थी 300 में, दोनों मैंने 300 में परचेज़ की थी। और अगर आप सरोजनी आते हो तो आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए, और वो 3 चीज़ें हैं बार्गेनिंग, जो फिक्स्ड प्राइसेस हैं, जिसके फिक्स्ड प्राइस हैं, आप उस बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन जो लोकल सेलर हैं जो आपके पास आएंगे उनसे आप अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हो। और यहाँ थी 100 रुपीज़ की ये कुर्तियाँ, आई वॉज लाइक रियली 100 रुपीज़ की हैं, और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी, प्योर कॉटन की थी, और आप इनको घर पे पहन सकते हो, कहीं लोकल जाना हो तो आप तब पहन सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सरोजिनी में इतने सस्ते और चीप प्राइसेस पे कपड़े क्यों मिलते हैं, तो वो सॉन्ग की लाइन सुनी है ना, सरोजिनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। सरोजनी मार्केट एक बहुत फेमस मार्केट है दिल्ली की, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी बहुत चीप। और अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सरोजनी में कपड़ा इतना चीप और सस्ता क्यों मिलता है, तो ये क्वेश्चन आना नॉर्मल है, मेरे माइंड में भी आया था। और रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट सरोजनी में जो कपड़े होते हैं वो डायरेक्ट परचेस किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर से, या तो ये इम्पोर्टेड होते हैं फॉरेन कंट्रीज से। फॉरेन कंट्रीज़ की मार्केट और इंडियन कंट्रीज़ की मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन मार्केट में जब एक प्रोडक्ट दिया जाता है तो एक
टाइम नहीं फिक्स होता है कि आपको इस टाइम तक सेल करना है, और जब वो रिटेलर और सेलर परचेज करता है प्रोडक्ट तो वो किसी टाइम तक भी सेल कर सकता है उसको, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता और वो प्रोडक्ट वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है कि आपको इतने टाइम तक सेल करना, और जब वो सेल नहीं हो पाता है तो रिटेलर और सेलर को उसको रिटर्न करना होता है, देन उसको हाफ प्राइसेस में एक्सपोर्टेड किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। और ये रीज़न है कि सरोजनी में आपको ऑलमोस्ट सारे फॉरेन ब्रांड्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इस शॉप पे थे बहुत सारा कलेक्शन, टॉप का, कुर्तीज़ का, और फुल फ्रॉक टाइप ये ड्रेसेस थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनकी स्टार्टिंग थी 450 से। और इस शॉप पे था बहुत अच्छा कलेक्शन जीन्स का, हॉट पैंट्स का, और स्टार्टिंग थी फुल जीन्स की 200 से और हॉट पैंट्स की 100 रुपीज़ से। और यहाँ पे थे 100 रुपीज़ के शख्स जिनकी क्वालिटी ठीक ही ठाक थी। और फाइनली ये छोटा सा स्टॉल जहाँ पे मिल रही थी 50 रुपीज़ की टॉप, इनकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मुझे नहीं पता कि ये यूज्ड थे या रिजेक्टेड प्रोडक्ट था, आई डोंट नो। और यहाँ थे 100 रुपीज़ के ये हैंड बैग्स, सारे 100 रुपीज़ के थे कोई भी लो, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इनकी। सरोजनी मार्केट स्पेशली फेमस है गर्ल्स के लिए क्योंकि यहाँ 50-80% सारा गर्ल्स का मिलता है, बट आपको बॉयज़ का भी अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, पैंट, टी शर्ट्स और शर्ट्स, लोवर्स, हाफ लोवर्स। और पूरी मार्केट में आपको ऐसे लोकल सेलर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। इसका प्राइस मुझे 80 रुपीज़ बताया था और मैंने 30 रुपीज़ लगाए थे। सरोजनी आओ तो आप बार्गनिंग करना ना भूलें, लोकल सेलर से बार्गनिंग ज़रूर करें। और यहाँ पे थी 100 रुपीज़ की कुर्तीज़, इनकी क्वालिटी अच्छी थी, आप घर पे पहन सकते हो, घर के पर्पज से बहुत अच्छी थी, और ऑलमोस्ट हर तरह का फैब्रिक था यहाँ पे। और इस स्टॉल पे थे बहुत सारा एक्सेसरीज़ का कलेक्शन, और इस रिंग के प्राइस थे 100, और ये थे कुछ हैवी इयररिंग्स। और यहाँ पे थे 200 के नेट के टॉप, और यहाँ थी 300 की ड्रेसेस जिनकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सरोजनी में ऑलमोस्ट आपको हर तरह के कपड़ा मिलेगा, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पहनते हो, आपकी पसंद क्या है, आप क्या पहनना पसंद करते हो, सो सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप सरोजनी आकर क्या लेकर जा रहे हो। और यहाँ थी 200 की टॉप्स, और ये सारा कलेक्शन था ज़ारा का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें फॉरेन ब्रांड्स ब्रांड्स के कपड़े क्यों देखने को मिलते हैं सरोजनी में,
और ये है कलेक्शन ईयरिंग्स का। ऐसे स्टॉल्स आपको पूरी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस स्टॉल का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे वैरायटीज़ के ईयरिंग्स थे। और ये है फेमस ग्रेफिटी लेन, जिसमें वन साइडेड था पूरा वाइट कलेक्शन, दूसरी साइड कलरफुल था, वाइट भी था। और इसकी स्टार्टिंग थी यहाँ पे 200 से 500 तक। और इस टॉप के प्राइस बताए थे 350। मैं एक वाइट टॉप लेना चाहती थी, बट मैं बार्गनिंग नहीं करना चाहती थी क्योंकि धूप बहुत हो गई थी और मैं जल्दी फिनिश करके घर जाना चाहती थी। और ये है मेकअप स्टॉल। ऐसे स्टॉल आपको पूरी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, लोकल सेलर भी सेल करते दिख जाएंगे आपको पूरी मार्केट में। और इस शॉप पे था सारा होम डेकोर का कलेक्शन, और ये शॉप थी जस्ट ग्रेफिटी लैन के सामने। और जस्ट इस वाली शॉप के बगल में ही था राजस्थानी कलेक्शन। यहाँ पे थी राजस्थानी मैट, होम डेकोर एंड पर्स।